सबको साउंड आ रहा है क्या? सर। ओके, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एंगुलर एरर। देखो, जब हम लोग एंगुलर एरर मान रहे हैं, तब लोग हम लोग ये मानेंगे जो इसमें कोई भी इनकरेक्ट लेंथ में मेजरमेंट नहीं हुआ है। मतलब हम लोग जो लेंथ मेजर किए, एक्यूरेट मेजर किए, उसमें कोई भी एरर नहीं आया है। तो हमारा एक्चुअल पॉइंट रहा P2 ऑन पेपर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड पे पॉइंट होगा वो क्या होगा? P1। देखो, ग्राउंड पे पॉइंट P तब है जब इसमें लीनियर एरर है। मतलब लेंथ मेजर करने में कुछ एरर आया है, उसमें पॉइंट P है। जब लेंथ में मेजर करने में कोई भी एरर नहीं होता, तो P पॉइंट P1 पे होता क्या? सर जब एरर नहीं होता तो पॉइंट पी रहता है ना सर। एरर था तभी ना पॉइंट पी बनाया सर। हाँ, देखो, जब डेल्टा एल इजकल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी पॉइंट पी वन पे होगा या पी वन पॉइंट पी पे होगा? मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होगा, वही बोल रहे हैं। सर तो उस समय क्या होगा? पॉइंट पी टू के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी वन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये बताना है। तो कितना होगा बताओ। पी टू के रिस्पेक्ट में पी वन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पी वन पी टू होगा क्या? हाँ यस सर। P2 P1 ये हो जाएगा पी वन पी टू। सिक्वल टू पी वन पी टू। देखो, पी वन पॉइंट से हम लाइन पी सी, लाइन सी पी टू पे एक प्रोजेक्शन डाल रहे हैं। सपोज दिस इज पॉइंट पी थ्री। देखो, पी वन पी टू जो होता है नियरली इक्वल टू पी वन पी थ्री। दिस इज नियरली इक्वल टू, एग्जैक्टली नहीं होता है, नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी वन पी थ्री। तो पी वन पी थ्री कितना होगा बताओ? एल साइन अल्फा हो सर। ये होगा एल साइन अल्फा। एल साइन अल्फा। अब लोग मानेंगे स्केल। लेट स्केल इज वन सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर। ये तब है, ऑन ग्राउंड है ये, ऑन ग्राउंड। अब हमको ऑन पेपर बताना है, तो ऑन पेपर कितना हो जाएगा बताओ? वन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर एस मीटर सॉरी। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एंगुलर एरर। ऑन पेपर ये हो जाएगा जो लेंथ, लेंथ ऑफ पेपर बाय लेंथ ऑफ ग्राउंड। जिस जो पेपर पे है डिवाइडेड बाय, सॉरी, लेंथ जो ग्राउंड पे डिवाइडेड बाय एस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एस। जितना ग्राउंड पे लेंथ है उसमें एस से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा लेंथ ऑन पेपर इन सेंटीमीटर। यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, अब हम लोग मानेंगे लेंथ इन एरर, सॉरी, एरर इन लेंथ। एरर इन लेंथ
इज वन इन आर, इसका मतलब क्या होता है बताओ? सर आर मीटर मेजरमेंट में एक 1 मीटर का एरर होगा सर। आर मीटर मेजरमेंट में 1 मीटर का एरर होगा। इन आर मीटर मेजरमेंट एरर विल बी 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर। देखो आर मीटर में 1 मीटर का एरर है, आर मीटर लेंथ मेजरमेंट में 1 मीटर का एरर है, तो बताओ 1 मीटर में कितना एरर होगा? 1 मीटर लेंथ मेजर करेंगे वन बाय आर मीटर हो जाएगा 1 बाय आर मीटर। हम लोग कितना लेंथ मेजर किए, लेंथ ऑफ ऑफसेट कितना मेजर किए हैं बताओ? एल से एल मीटर मेजर किए हैं, इसमें एरर कितना होगा बताओ? एल बाय आर मीटर, एल बाय आर मीटर। इसी को हम लोग क्या माने हैं? डेल्टा एल, डेल्टा एल, ये डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा। देखो टोटल अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, ऑन ग्राउंड देखो जब एंगुलर एरर नहीं होता, अल्फा जीरो होता, उस समय क्या होता है? पी वन पी टू एक ही पॉइंट पे होता क्या? यस सर। तो पी वन पी टू एक ही पॉइंट पे होता तो पी टू के रिस्पेक्ट में या पी वन के रिस्पेक्ट में तो पी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? पी टू के रिस्पेक्ट में पी का सर, पी वन के रिस्पेक्ट में पी वन पी होगा सर, पी वन पी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वन पी। दिस इक्वल टू डेल्टा एल, दिस इक्वल टू एल बाय आर, ये L रहा by R, मीटर, एल बाय आर इन मीटर ही होगा। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑन पेपर बताना है, ये कितना होगा बताओ? displacement of point due to incorrect line on paper, ये कितना होगा बताओ? L sin alpha by s in centimeters, ये होगा इन मीटर। तो हम लोग पेपर के लिए क्या करते हैं, जो लेंथ ग्राउंड पे होता है उसमें डिवाइड बाय एस कर देते हैं, वही तो करते हैं हम लोग। तो ग्राउंड पे कितना लेंथ मेजर किया हम लोग बताओ? एल बाय आर मीटर, एल बाय आर। तो इसके कोरस्पोंडिंग पेपर पे कितना होगा? एल बाय आर डिवाइडेड बाय एस, एल बाय आर इनटू एस हो जाएगा। ये होगा सेंटीमीटर में। अब देखो टोटल एरर,
टोटल एरर क्या होता है, जो पॉइंट हम लोग पेपर पे ड्रॉ किए हैं और जो पॉइंट ग्राउंड है, ग्राउंड पे है, उसके बीच जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल एरर। टोटल एरर क्या हो जाएगा, पी पी टू, पॉइंट पी है ऑन ग्राउंड, पी टू है पॉइंट ऑन पेपर, उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल एरर। तो टोटल एरर कितना हो जाएगा, पी पी टू। टोटल एरर दिस इक्वल टू पी पी टू। देखो हम लोग ये मानते हैं कि पी वन पी टू एंड पी वन पी, ये जो दो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो बताओ पी पी टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं। पी पी टू को ये लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर पी पी वन स्क्वायर प्लस पी वन पी टू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या। यस सर। ओके, ये हो जाएगा रूट अंडर पी पी वन स्क्वायर प्लस पी वन पी टू स्क्वायर। पी पी वन स्क्वायर प्लस पी वन पी टू स्क्वायर। देखो हम लोग क्या माने थे, देखो पी वन पी टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी वन पी थ्री, तो पी वन पी टू को हम लोग पी वन पी थ्री लिख सकते हैं क्या। यस सर। पी पी वन, पी पी वन स्क्वायर प्लस पी वन पी टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वन पी थ्री, पी वन पी थ्री स्क्वायर। अब देखो इसमें दो केस बनता है, दो केस क्या क्या बनता है, देखो केस वन, केस वन क्या होता है, इसमें हम लोग दो लेंथ लिए, दो लेंथ कौन कौन, पी पी वन एंड पी वन पी टू, पी पी वन एंड पी वन पी थ्री, रुको, पी पी वन एंड पी वन पी थ्री, पी पी वन एंड पी वन पी थ्री, केस वन, पी पी वन इज इक्वल टू पी वन पी थ्री, दूसरा केस लेंगे जब दोनों इक्वल नहीं होगा, तो पी पी वन कितना होगा फिगर से बताओ, देखो पी पी वन, पी पी वन कितना होगा बताओ, डेल्टा एल, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल बाय आर, डेल्टा एल, ये हम लोग ग्राउंड का बात कर रहे हैं। पी वन पी थ्री कितना होगा, पी वन पी थ्री कितना होगा बताओ, एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा इक्वल टू एल साइन अल्फा, मीन्स पहला केस क्या है हमारा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल साइन अल्फा, यही हुआ ना पहला केस हमारा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल साइन अल्फा। इस केस में देखो हमारा टोटल एरर क्या होगा, टोटल एरर, टोटल एरर हमारा क्या था, रूट अंडर पी पी वन स्क्वायर प्लस पी वन पी थ्री स्क्वायर, रूट अंडर पी पी वन स्क्वायर प्लस पी वन पी थ्री स्क्वायर। देखो टोटल एरर ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड पी पी वन स्क्वायर प्लस पी वन पी थ्री स्क्वायर दिस इक्वल टू पी पी वन कितना है, डेल्टा एल, ये हो जाएगा डेल्टा एल स्क्वायर प्लस पी वन पी थ्री, पी वन पी थ्री कितना है, एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा का स्क्वायर, ये होगा क्या,
यस सर टोटल एरर ऑन पेपर, टोटल एरर ऑन पेपर, रुको दिस इक्वल टू, देखो डेल्टा एल किसके बराबर, एल साइन अल्फा के बराबर है, देखो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर डेल्टा एल स्क्वायर प्लस एल साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल स्क्वायर, दोनों बराबर है, लिख सकते हैं ऐसा क्या, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल साइन अल्फा है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये रूट अंडर रूट टू डेल्टा एल, ये होगा क्या, यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर, डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा एल इक्वल टू एल बाय आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर, ओके अब देखो टोटल एरर ऑन पेपर, टोटल एरर ऑन पेपर ये क्या हो जाएगा, कितना होगा पेपर पे टोटल एरर कितना होगा बताओ, ये रहा ग्राउंड में, पेपर पे कितना होगा बताओ, रूट टू एल बाय आर बाय इनटू वन बाय एस मींस रूट टू एल बाय आर एस, ये होगा, इसके कंडीशन है दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर, 0.025 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहां से हमको मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट कैसे आएगा बताओ, इक्वल टू कर देंगे तो आ जाएगा क्या, रूट टू एल डिवाइड बाई आर एस दिस इक्वल टू 0.025, यहां तक किसी कोई डाउट? कोई डाउट भी यहां तक? देखो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या हो, 0.025 आर एस, 0.025 आर एस डिवाइडेड बाय रूट टू, ये हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट, यहां तक किसी कोई डाउट? सर ये सेंटीमीटर में आएगा ना सर लास्ट में, एल एल लेंथ, ये एल जो है ये मीटर में आएगा, एल सेंटीमीटर में नहीं आएगा, रूट टू एल डिवाइड बाई आर एस जो है ये सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में, लेकिन एल जो आएगा वो मीटर में आएगा, ये तब होगा जब एरर ड्यू टू लेंथ एंड एरर ड्यू टू डायरेक्शन मीन्स अल्फा दोनों इक्वल होगा तब ये केस होगा, दूसरा केस बनता है जब दोनों इक्वल ना हो, पहला केस था डेल्टा एल इज इक्वल टू एल साइन अल्फा, दूसरा केस बनता है केस टू, केस टू क्या होता है, एल साइन अल्फा मीन्स एरर ड्यू टू डायरेक्शन दिस इज नॉट इक्वल टू एरर ड्यू टू लेंथ नॉट इक्वल टू, इस केस में क्या होगा, टोटल एरर क्या है देखो, टोटल एरर दिस इक्वल टू रूट अंडर टोटल एरर ऑन ग्राउंड, दिस इक्वल टू टोटल एरर कितना था, P P1 स्क्वायर प्लस P1 P3 स्क्वायर, रूट अंडर P P1 स्क्वायर प्लस P1 P3 स्क्वायर, P1 P2 क्या था, P P1 इज इक्वल टू डेल्टा एल, P P1 इज इक्वल टू डेल्टा एल एंड P1 P3 कितना था, एल साइन अल्फा, अब दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, टोटल एरर ऑन ग्राउंड कितना हो जाएगा देखो, टोटल एरर ऑन ग्राउंड दिस इक्वल टू रूट अंडर, ये हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस एल साइन अल्फा स्क्वायर,
ये रहा ऑन ग्राउंड, अब पेपर में कितना होगा बताओ, रूट टू एल बाई आर इसके। देखो इस केस में दोनों इक्वल नहीं है, डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू एल साइन अल्फा, तो इस केस में हम लोग एल साइन अल्फा के जगह पर डेल्टा एल नहीं लिख सकते हैं, तो हमको पेपर पे बताना है, पेपर पे कितना हो जाएगा बताओ, एल बाई आर का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल को सर लिख सकते हैं ना सर, एल बाई आर। हाँ लिख सकते हो। हम पूछ रहे टोटल एरर ऑन ग्राउंड ये दे रखा है, हमको बताना है टोटल एरर ऑन पेपर क्या होगा बताओ। बाय एस कर देंगे सर हाँ बिल्कुल टोटल सही को। बोल रहे हो, तो बायस कर देंगे जो लेंथ है ऑन ग्राउंड उसमें डिवाइडेड बाय एस कर देंगे, वो आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा, डेल्टा एल स्क्वायर प्लस एल साइन अल्फा का एल होल साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर रूट अंडर। होगा रूट अंडर डिवाइडेड बाय एस हो जाएगा। यहां तक किसी कोई डाउट, ये जो भी आएगा सेंटीमीटर में होगा, यहां तक किसी कोई डाउट। नो सर। देखो इसमें क्राइटेरिया होता है दिस लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर, यहां से हमको मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट कैसे निकलेगा, देखो क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, ग्रेटर नहीं हो सकता लेकिन इक्वल टू तो हो सकता है, इसको क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, डेल्टा एल स्क्वायर प्लस एल साइन अल्फा स्क्वायर रूट अंडर डिवाइडेड बाय एस, दिस इज इक्वल टू 0.025। यहां तक किसी कोई डाउट, नो सर। ओके अब क्या करेंगे देखो, डेल्टा एल स्क्वायर प्लस एल साइन अल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0.025 s, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करो दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा देखो, डेल्टा एल स्क्वायर प्लस एल साइन अल्फा स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्या स्क्वायर करने के बाद, हट जाएगा सर ये सर हट जाएगा, ये हो जाएगा दिस इक्वल टू 0.025 सर, इसका वैल्यू 0.30625 आ रहा है। रहने दो इसको, इसको करेंगे इसी टर्म में फॉर्मूला निकालेंगे, देखो इस क्या हो जाएगा एल साइन अल्फा स्क्वायर, एल साइन अल्फा स्क्वायर दिस इक्वल टू 0.025 एस होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एल स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट। नो सर। देखो इस धर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या, अब क्या करो दोनों साइड रूट ले लो क्या हो जाएगा, हो जाएगा रूट अंडर 0.025 एस होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एल स्क्वायर, इतना होगा क्या। यस सर। देखो यहां से एल क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 by sin alpha root under,
0.025s होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एल स्क्वायर। यह है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये तब रहा जब एरर इन लेंथ एंड इन डायरेक्शन दोनों इक्वल नहीं होगा, तब उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा। देखो इसको तुम ना बोलो सर, वहां डेल्टा एल का होल स्क्वायर होगा ना सर लास्ट में? डेल्टा एल का, हाँ डेल्टा एल का ही होल स्क्वायर है, डेल्टा एल का होल स्क्वायर। इस पे कुछ क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करो। सर 0.176 तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.176, सर। इतना आ रहा है क्या? यस सर, ये मीटर में आ रहा होगा। यस सर, चलो देखो ऑफसेट मीटर में। एन ऑफसेट इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 in 100, क्या दे रखा है बताओ? वन इन आर सर, वन आर का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा ये या बताओ, आर का वैल्यू कितना होगा?
हंड्रेड से आर का वैल्यू हमको दे रखा है 100। इफ द स्केल ऑफ फ्लोटिंग इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, यहाँ पे एस का वैल्यू कितना है बताओ? 10 मीटर 10, वो मीटर में ही रहेगा। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ एंड दैट ड्यू टू इनकरेक्ट डायरेक्शन आर इक्वल। देखो इस बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ मीन्स डेल्टा एल का बात कर रहा है, डेल्टा एल एंड दैट ड्यू टू इनकरेक्ट डायरेक्शन दैट इज एल साइन अल्फा, ये बोल रहा है दोनों इक्वल है। देन लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इज, अब हमको निकालना है एल। देखो कुछ हमको कंडीशन दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑन द ड्रॉइंग शीट शुड बी लिमिटेड टू 0.02 सेंटीमीटर। हम लोग जो पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑन पेपर शुड बी लिमिटेड टू 0.025 सेंटीमीटर। अगर कुछ स्पेशल कंडीशन दे दे तो हम उसी को फॉलो करेंगे, ना कि 0.025 सेंटीमीटर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे बोल दे ये 0.015 सेंटीमीटर है तो हमको इसी को फॉलो करना पड़ेगा, ये स्पेशली बोल दिया है। अगर नहीं बोलेगा तो इसको फॉलो करेंगे, अगर बोल देगा तो इसी को फॉलो करेंगे, समझ रहे हो? यस सर। देखो इसका फॉर्मूला क्या था बताओ पहले। ये रहा दोनों इक्वल वाला, दोनों इक्वल कंडीशन ये रहा, एल इज इक्वल टू 0.025, यहाँ पे 0.025 नहीं 0.02 हो जाएगा, इसीलिए हम 0.025 कैलकुलेट नहीं कर देते, मतलब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। 0.025 को किसे रिप्लेस कर देंगे हम लोग? 0.02 से सर, 0.02 से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 0.02 आर एस बाई रूट अंडर टू, एल इजिकल टू हो जाएगा 0.02 आर एस डिवाइड बाय रूट अंडर टू, यही था क्या? यस सर, आर एस डिवाइड बाय रूट अंडर टू 0.14 आ गया। ये देखो कितना आ जाएगा 0.02 आर, आर इजिकल टू कितना है 100, 100 एस आर इजिकल टू 100, एस इजिकल टू है 10 डिवाइड बाय रूट अंडर टू, कितना आ रहा है देखो 14.1421, ये हो जाएगा 14.142 मीटर, ये जो भी लेंथ आएगा ये मीटर में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यस नहीं सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, पहला तो है जब स्केल यूज करोगे 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 60 मीटर, दूसरा क्वेश्चन बनेगा जब स्केल यूज करोगे 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 5 मीटर। इसमें अलग अलग पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, पहले पहला पार्ट सॉल्व करो उसके बाद दूसरा पार्ट सॉल्व करो।
सर पहला केस में 10.71 मीटर आ रहा है। पहला केस में आ रहा 10.71 मीटर। यस सर 714 मीटर। ठीक है देखो चेक करते हैं, पहला केस सॉल्व करते हैं उसके बाद दूसरा केस देखेंगे। देखो हमको स्केल दे रखा है, एस इजिकल टू कितना हो जाएगा ये बताओ। 60 होगा सर। एस इजिकल टू हो जाएगा 60। फॉर एवव केसेज फाइंड आउट, हम लोग पहला केस सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट मीन्स हमको एल निकालना है। इफ मैक्सिमम एरर अलाउड इन लेइंग डायरेक्शन ऑफ ऑफसेट इज 60 डिग्री, हमको अल्फा दे रखा है, अल्फा दे रखा है मैक्सिमम कितना हो सकता है 60 डिग्री। हमको देखो लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेंथ में एरर कितना है कुछ नहीं बोला, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू जीरो मीन्स 0.2 मीन्स हम लोग जो पहला जो था मेरा सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे एरर इन डायरेक्शन, एरर इन लेइंग आउट डायरेक्शन, वो केस फॉलो होगा। तो उसमें क्या था, एल साइन अल्फा इक्वल टू 0.0, एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एस दिस इक्वल टू 0.025। तो यहां से हम लोग एल निकाल लेंगे, एल कितना हो जाएगा 0.025 एस डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। यहाँ पे सब कुछ हमको दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.025 एस, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय इनटू 60 साइन साइन 60 डिग्री साइन 6 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 6। ये कितना आ रहा है बताओ सर, यही सर 10.714। रुको हमको सॉल्व करने देते हैं। गलत सॉल्व कर रहे हो, फिर से सॉल्व करो, तो इतना तो नहीं आ रहा है तुम जितना बता रहे हो, सही से सॉल्व करो। साइन 6 डिग्री का वैल्यू 0.104। साइन 6 का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 0.104। यस सर ये तो सही है, फिर भी तुम्हारा गलत आंसर आ रहा है। हां यस सर 0.104 14.423। हां अब सही है, अब सही है तुम्हारा। 14 पॉइंट कितना आ रहा है 14.423 मीटर। तुम्हारा आंसर कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, एग्जैक्टली इतना नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली देखो एग्जैक्टली कितना आ रहा है 14.35 डिग्री ऐसा कुछ, सॉरी 35 मीटर ऐसा आ रहा है। तुम सॉल्व करके देखो सही से, इतना ही आंसर आएगा कैलकुलेटर में, इतना एरर